बीजेपी ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। इस बार कांग्रेस के साथ वो हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस को पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने कांग्रेस का पूर्वोत्तर के राज्यों में सोपड़ा साफ कर दिया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी ने राज्यसभा की सभी 4 सीटें जीत ली। वहीं कांग्रेस को संसदीय इतिहास में पहली बार उच्च सदन में इस क्षेत्र से कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है। बीजेपी ने त्रिपुरा सीट अपनी संख्या के बल पर जीती और नागालैंड सीट निर्विरोध जीती। असम में क्रॉस वोटिंग और अमान्य विपक्षी वोटों ने भगवा पार्टी और उसके सहयोगी UPPL को उन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने में मदद की जिन पर चुनाव हुए थे। सबसे बड़ा खेल असम में हुआ है जहां बीजेपी ने कांग्रेस को गजब धूल चटाई है। असम के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्व शर्मा की चतुरचाल के आगे कांग्रेस ढेर हो गई। असम के कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी को धोखा दिया जिससे कांग्रेस की हार हुई है। दरअसल असम में राज्यसभा की 2 सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी ने राज्य की दोनों सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के उम्मीदवार के लिए वोटों की गिनती कम हो गई क्योंकि कांग्रेस ने अपने एक विधायक और बैलेट पेपर पर एक के बजाय एक लिखकर अपना वोट बर्बाद करने के लिए निलंबित कर दिया। उधर सिद्दीकी अहमद को लेकर कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर 3 लाइन के वेप का उल्लंघन किया। पार्टी को धोखा देने के कारण कांग्रेस के 2 विधायकों शशिकांत दास और शर्मन अली अहमद को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि असम में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल मतदान हुआ था। पहली सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पवित्रा मार्गेरिटा ने निर्विरोध जीत हासिल की। मुकाबला दूसरी सीट के लिए था। रिपुन बोरा विपक्ष के उम्मीदवार थे जबकि बीजेपी सहयोगी UPPL के उम्मीदवार रवंगवरा नारजारी का समर्थन कर रही थी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बोरा का समर्थन कर रहा था। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को 43 वोटों की जरूरत थी। राज्य विधानसभा में बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल 126 वोटों में से 83 वोट हैं। तो वहीं रंगवरा नारजारी राज्यसभा नहीं पहुंच सके। विपक्ष के पास 44 वोट थे लेकिन कांग्रेस के एक विधायक के वोटों की कथित तौर पर बर्बाद करने के कारण उसका एक मत कम हो गया। कांग्रेस का दावा है कि उसके एक विधायक ने वोट बर्बाद किया जबकि बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के 7 विधायकों ने सत्तारूढ़ दल को वोट दिया और इस तरह कांग्रेस ने राज्यसभा की 1 सीट असम में गंवा दी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।